अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद फैजी। और आज यहाँ पर ईद है, ईद का तीसरा दिन है और हम लोग सब यहाँ पर स्टॉकहोम के इलाके तुम्बा में बहुत बड़ा इवेंट और हो रहा है। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए फिर हम चलते हैं ज़रा अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे ईद मना रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश चल रहा है पब्लिक का। आइए चलिए ज़रा देखते हैं अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे और लोग यहाँ पे अपने अपने यहाँ पे गुड़िया के बाल बन रहे हैं, ये भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, जेरूसलम किचन, यहाँ पे कबाब वगैरह और इसी तरह यहाँ पे कोई रोल्स हैं, चेक करें बस। यहाँ पे बहुत अच्छा सीजन है, बहुत अच्छा चल रहा है और जैसे कि लोग बहुत खुश हैं, सब देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बेसिकली किसी एक कम्युनिटी का इवेंट नहीं है, पाकिस्तानी या ये यहाँ पे मिक्स लोग हैं, यहाँ पे अरबी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सोमालियन भी हैं, डिफरेंट भी हैं, यानी कि सब तरीके के मुस्लिम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऊपर आप चेक करें यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ऊपर भी यहाँ पे हैं पहाड़ों पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हम अभी जानवरों के एरियाज में जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा इस पार्क को और इन डिटेल देखेंगे कि और यहाँ पे आपको क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। ये यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों के पिंजरे हैं, इसका मतलब है आर्मी थे पगोर, इनका इसका स्वीडिश में मतलब है कि यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस टाइम फिशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे स्वीडन में। समर्स में बहुत से लोग यहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं, जानवरों को प्यार कर सकते हैं, उनको कुछ खिला सकते हैं, ये चीज़ आपको अलाउ है। आइए जरा बच्चों के हाथ से घास खिलवाते हैं जानवरों को, चलिए। और ये जैसे कि हम जा रहे हैं और हमारे साथ एक प्यारी सी छोटी सी कंपनी भी है जो साथ साथ चल रही है, जैसे आप देख सकते हैं। और इनको आगे जाके खिलाना है इन घोड़ों को खाना। ये छोटे वाले पोनी है और इनको बच्चे पोनी को भी खाना खिलाते हैं। और ये जब देसी लोग मिलते हैं कहीं भी, लोग कहीं भी किसी पार्टी में, तो ये बहस शुरू हो जाती है या डिस्कशन शुरू हो जाती है। चलो सुलाओ, करा दो भाई सुलाओ, चलो भाई सुलाओ भाई। और ये मेरी कंपनी की शर्ट की पब्लिसिटी करने आए हैं, पीछे तो दिखाओ, पीछे तो दिखाओ, ये स्वीडन जी है स्वीडन। अबाउट ये देखें, ईद की वजह से यहाँ पे इन्होंने स्पेशली एक मुसलमानों के लिए लगाया हुआ ईद उल फितर, ग्लैड ईद, मतलब स्वीडिश में कहते हैं हैप्पी, ग्लैड हैप्पी, इंग्लिश में भी ग्लैड हैप्पी को ही कहते हैं बेसिकली यहाँ पे। और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, आइए उनसे जरा बात करते हैं कि उनको कैसा फील है। जी जनाब, महराज भाई एंड राशिद भाई, कैसा है आपको, कैसा लगा आज यहाँ पे आके और कैसा जा रहा है? जैसे कि अभी तरह कुछ बता ही दिया कि यहाँ पे कितना अच्छा रहा और कैसा अच्छा टाइम पास हो रहा है, तीन तीन से भी जो सिलसिला चलता रहा। और अब ये है कि हाँ अभी 5-6 बजे के करीब बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 बजने वाले होंगे। और देखें अभी भी रौनक है, म्यूजिक की तो आवाज़ आई रही है और कल वर्किंग डे भी है बेसिकली। हाँ वर्किंग डे भी है तो, लेकिन ये है कि यार इस तरह के इवेंट होते रहे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि ये इस तरह के इवेंट होते रहे। क्या अभी मेरे ख्याल अगले हफ्ते फिर एक प्रोग्राम है जो ये आग जलाने का जो प्रोग्राम जिसे बॉल बेयर वो बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह वीडियो करते हैं। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा और आपको स्वीडन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी और यहाँ पे के लोग कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया और मैंने बहुत अच्छे अच्छे खाने भी यहाँ पे ट्राई किए हैं डिफरेंट कल्चर्स के। और आप लोग मेरे व्लॉग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू, सी यू, अल्लाह हाफिज़।